नमस्कार, मेरा नाम है सुप्रीत। आप देख रहे हैं द पावर मशीन्स और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लच प्लेट की, प्रेशर प्लेट की और क्लच रिलीज बेयरिंग की। बहुत दिनों से कोई वीडियो पोस्ट नहीं हो पाया था तो मैं उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। कोशिश करूंगा कि आगे से रेगुलरली आपके लिए वीडियो पोस्ट करूँ। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए। दोस्तों, ये है एक गाड़ी का क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और क्लच रिलीज बेयरिंग, मारुति का है और ये एक्चुअल में वॉर्न आउट है, घिस चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा होता है घिसने के बाद में, और एक्चुअल में जो ओरिजिनल होती है, जो नई क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट होती है, वो कैसी दिखाई देती है और घिसी हुई क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट कैसी दिखाई देती है। तो इसको निकाल लेते हैं यहां से। और ये काम कैसे करती है ये भी आपको बताता हूं, और ये क्यों खराब हो जाती है ये भी आपको बताता हूं। तो ये देखिए, ये जो राइट हैंड, मेरे राइट हैंड में है, ये वाली जो है ये खराब हो चुकी है, घिस चुकी है, और ये वाली एक बिल्कुल फ्रेश है, नई प्रेशर प्लेट है। और पीछे से दिखने में ये ऐसी है, और ये वाली जो है ये इस तरह की हो चुकी है। अब इसमें जो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक इसमें मार्किंग है, वो जो मार्किंग आ गई है वो आ गई है क्लच रिलीज बेयरिंग की, यहाँ रखा रहता है और इसके ऊपर चलता रहता है, इसलिए इस पे इस तरह की मार्किंग आ गई है। अब होता क्या है कि जो हमारा क्लच होता है, क्लच बेसिकली क्या होता है, क्लच प्लेट होती है, प्लेट होती है, वो प्रेशर प्लेट के अगेंस्ट में चलती है। अब क्या है ये देखिए, सबसे पहले तो आप क्लच प्लेट देखिए कि क्लच प्लेट दिखने में कैसी है, ये इस साइड से देखिए और इसके पीछे से देखिए इस तरह की है। इसमें यहाँ पे स्प्रिंग्स होते हैं, ये आपका जो होता है इसको बोलते हैं फ्रिक्शन मटेरियल, जो कि इस प्लेट का घिस चुका है, ये खराब वाली प्लेट है। और इसमें देखिए ये जो रिवेट्स लगे हुए हैं, अगर आपको दिख रहे हैं तो ये रिवेटेड होता है, तो ये रिवेट्स तक घिस चुकी है पूरा, ये जो इसका मटेरियल था, फ्रिक्शन मटेरियल था, ये पूरा रिवेट्स तक आके घिस चुका है इसमें, पूरी प्लेट में। और ये जो फ्रेश प्लेट है इसमें देखिए ये कैसा है, तो दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये एक्चुअल में नई है और पुरानी जो है घिस चुकी है, उसमें क्या डिफरेंस है, दोनों को आपको देख के समझ में आ रहा होगा। अब होता क्या है कि ये जो प्लेट होती है ये ऐसी रखी हुई होती है, ये इसका जो फेस है, ये वाला फेस प्रेशर प्लेट्स वाली साइड होता है, और ये वाला जो फेस है ये आपके गाड़ी के जो इंजन होता है, इंजन के आगे लगा होता है फ्लाई व्हील। तो ये क्या होता है, ये जो क्लच प्लेट होती है ये ऐसी लग जाती है फ्लाई व्हील के ऊपर जाके, और उसके ऊपर लग जाती है प्रेशर प्लेट कुछ इस तरीके से, और फिर लग जाता है क्लच रिलीज बेयरिंग कुछ इस तरीके से। और ये वाला जो साइड होता है ये आपका लगता है, यहां से एक शाफ्ट आती है, वो ये वाला जो स्लॉट है क्लच प्लेट का, ये जो मिलिंग बनी हुई दिख रही होगी आपको, ये यहां से अंदर जो मिलिंग बनी हुई दिख रही है, वहां से एक शाफ्ट निकलती है और इसके अंदर आके बैठ जाती है गियर बॉक्स वाली साइड से, इनके बीच से, और ये ऐसे जाके कस जाता है इंजन वाली साइड पे, फ्लाई व्हील पे कस जाता है। अब हम जब क्लच को दबाते हैं तो होता यह है कि ये क्लच रिलीज बेयरिंग जो है, इससे पहले एक चीज बताऊं, थोड़ा सा प्रेशर प्लेट को समझना पड़ेगा। ये होती है प्रेशर प्लेट, और ये जो आपको ऐसे डिजाइन बना हुआ दिख रहा है इसको बोलते हैं डायफ्राम स्प्रिंग। अब होता यह है कि जब हम रिलीज बेयरिंग, जब हम क्लच को दबाते हैं तो रिलीज बेयरिंग क्या करता है, इन स्प्रिंग्स को, ये जो स्प्रिंग बनी हुई है इसको हल्का सा दबाता है, और इसके दबाने की वजह से ये जो क्लच प्लेट है ये प्रेशर प्लेट से थोड़ी सी दूर हो जाती है। दूर होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि गाड़ी फ्री हो गई है, गियर में नहीं है, लेकिन एक्चुअल में गाड़ी गियर में ही होती है, वो खाली दूर होने की वजह से फ्री हो जाती है। अब जैसे ही आप क्लच को छोड़ेंगे तो ये जो क्लच प्लेट है ये वापस प्रेशर प्लेट पे जाके चिपक जाएगी। काम कैसे करता है, काम ऐसे करता है कि जो आपका फ्लाई व्हील है, आपने इंजन स्टार्ट किया, इंजन की जो क्रैंकशाफ्ट है वो गोल घूमना शुरू होती है, और उसके आगे लगा होता है फ्लाई व्हील। अब फ्लाई व्हील गोल घूमना शुरू हो जाता है क्योंकि वो क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है, और उसके साथ में ये दोनों चीजें भी गोल घूमती रहती हैं। फ्लाई व्हील के साथ में क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट ऐसे ऐसे गोल घूमती रहती है। जैसे ही हम क्लच को दबाते हैं, क्लच पेडल को दबाते हैं, वैसे ही क्लच और प्रेशर प्लेट अलग अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। तो क्या होता है, क्लच और ये जो प्रेशर प्लेट है ये फ्लाई व्हील से फ्री होके घूमने लगते हैं,
होता यह है कि जो क्लच है वो फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट को एक साथ चला के, एक साथ जोड़ के चलाने के काम आता है। जैसे ही हम क्लच दबाते हैं वैसे ये दोनों चीजें दूर हो जाती हैं। अब ये खराब क्यों होता है? खराब होने का कारण है सिर्फ एक, वो है आपका क्लच पेडल पे पैर रख के गाड़ी को चलाना। जो नए लोग होते हैं, जिन्होंने नया नया गाड़ी चलाना सीखा होता है, वो लोग, उन लोगों की आदत होती है कि वो क्लच पे एक हल्का सा पैर रख लेते हैं और एक पैर इनका एक्सेलेरेटर पे होता है, उसी पैर से वो ब्रेक भी कंट्रोल करते हैं। और जो उनका पैर क्लच पे रखा रहता है वो हल्का सा, आपने देखा होगा क्लच पेडल जो होता है उस पर हल्का सा एक प्ले होता है, छोटा सा जरा सा एक प्ले होता है 2-3 mm का, जब आप पैर दबाते हैं तो हल्का सा एक एक वो फ्री फ्री क्लच फ्री दबता है क्लच, उसके बाद में जब आप दबाते हैं तो उसको ताकत लगती है। तो होता क्या है कि हम उस प्ले को दबा के रख लेते हैं, हमारी आदत बन जाती है कि हम उस क्लच पेडल पे अपना पैर रख लेते हैं और वो प्ले दब जाता है। अब क्या होता है, ये जब एक्चुअल पोजीशन में चलती है तो दोनों चिपक के चलते हैं, लेकिन जब हम हल्का सा क्लच पेडल पे पैर रख देते हैं और वो प्ले खत्म होने के बाद में क्लच पे प्रेशर पड़ता है तो ये रिलीज बेयरिंग इसको दबाता है इन फिंगर्स को, और उसके बाद में ये इससे थोड़ा सा हल्का सा दूर हो जाती है और ये इस पे घिस के चलना शुरू हो जाती है। इससे बिल्कुल चिपक के चलेगी तो दोनों एक साथ चलेंगे, हल्की सी दूर हो जाएगी तो उससे घिस के चलना शुरू हो जाएगी। ये एक जाहिर सा कॉन्सेप्ट है। तो अब इसके दूर होने से ये जो फ्रिक्शन मटेरियल है हल्का सा दूर हो जाती है, उसके बाद जब ये इस पे घिस के चलना शुरू हो जाती है तो ये फ्रिक्शन मटेरियल जो है ये घिसना शुरू हो जाता है, और कुछ टाइम बाद आपकी क्लच प्लेट जो है वो खराब हो जाती है। अब क्लच प्लेट जब खराब होती है तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि क्लच प्लेट खराब हो गई है? क्लच प्लेट जब खराब होती है तो जब भी आप गाड़ी को गियर में डालेंगे और एक्सेलरेट करेंगे तो आपको ये देखना, आपकी गाड़ी में स्पीड नहीं आएगी, सिर्फ आरपीएम गाड़ी का बढ़ जाएगा, गाड़ी रेस पकड़ने लगेगी लेकिन गाड़ी में स्पीड नहीं आएगी, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, और बढ़ेगी भी तो बहुत कम स्पीड से बढ़ेगी, लेकिन अगर आप एक्सेलरेटर दबाएंगे तो आपकी गाड़ी का रेस आवाज बहुत, इंजन आवाज करने लगेगा, रेस बहुत आएगी, एक जलने की स्मेल भी आती है जो कि लोड पड़ता है क्लच क्लच प्लेट के ऊपर, तो जो फ्रिक्शन मटेरियल है वो जब जलता है तो एक स्मेल सी भी आती है, वो भी आपको देखना चाहिए। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि यार जलने की स्मेल आ रही है गाड़ी में से, वो जलने की स्मेल तब आती है जब आप कहीं घाटी पे चल रहे हैं या आप इंक्लाइन पर हैं और काफी ज्यादा ट्रैफिक है, बार बार क्लच दबाना छोड़ना रेस देना, क्लच दबाना छोड़ना रेस देना वाला सिचुएशन बन गई है, तब वो स्मेल आपको महसूस होगी। उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, गाड़ी को थोड़ा सा रोक देना चाहिए, थोड़ा सा ठंडा होने देना चाहिए, क्योंकि गर्म हो जाती है, फ्रिक्शन मटेरियल घिसना शुरू हो जाता है, तो गाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि इन सिचुएशंस में आप गाड़ी को चलाना अवॉइड करें, गाड़ी को साइड में रोक लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, ट्रैफिक क्लियर हो जाने दीजिए, उसके बाद गाड़ी चलाइए। तो ये जब खराब हो जाती है उसके बाद में ये क्या करती है, हम अगर इस चीज को नोटिस नहीं करेंगे तो ये क्या करेगी, इसके जो ये रिवेट्स हैं, क्योंकि वो तो फ्रिक्शन मटेरियल है, उसका काम ही घिसने का, वो घिसेगा ही घिसेगा, घिसने के लिए ही बना है, लेकिन होता क्या है हम उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके जो ये रिवेट्स हैं ये लोहे के होते हैं, ये लोहा क्या करता है, प्रेशर प्लेट का जो लोहा है ये उसको काटना शुरू कर देता है। ये देखो इस क्लच प्लेट ने, इस क्लच प्लेट के जो रिवेट्स हैं उसने इसके प्रेशर प्लेट्स के जो ये वाला फेस है इसको काट दिया, रिवेट्स ने इस पे घिस घिस के इसको ऐसे पूरा सर्कुलर मोशन में काट दिया। अब जैसे उसको हाथ लगा के देखूंगा तो ये मुझे महसूस हो रहा है, आपको वहां से देखने से दिख रहा होगा बट अगर इसे हाथ लगाएंगे तो महसूस भी होगा। अब क्या होगा कि सवाल ये आता है कि ये सिर्फ क्लच प्लेट खराब हुई है, अगर सिर्फ क्लच प्लेट बदल दी जाए तो ये वाली क्लच प्लेट उठा के यहाँ लगाई जा सकती है, लेकिन होगा क्या, क्योंकि ये यहाँ पे एक अनइवन सरफेस जनरेट हो गई है तो वो अनइवन सरफेस क्या करेगी, वो नई क्लच प्लेट के फ्रिक्शन मटेरियल को जल्दी खराब कर देगी, और ये खराब हो जाएगा, ये भी खराब है, ये खराब हो जाएगा, फिर से आपको नई क्लच प्लेट डलवानी पड़ेगी और फिर प्रेशर प्लेट तो चेंज करवानी ही पड़ेगी। तो जब भी आपकी क्लच प्लेट खराब होती है तो आप क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, और कोशिश करें अगर रिलीज बेयरिंग खराब है तो उसे बदलवा लें या इसको ऐसे घुमा के देखें कान के पास से, अगर इसमें स्मूथ चलने की आवाज आ रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये ऐसा लग रहा है कि घुमा के देखते हैं और यहाँ से ऐसा लगता है कि रगड़ खा के चल रहा है, घिसने की आवाज आ रही है इसके अंदर, तो इसे भी चेंज कर दीजिए, बहुत कॉस्टली चीज नहीं होती है। तो इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्लच प्लेट क्या है, प्रेशर प्लेट क्या है, रिलीज बेयरिंग क्या है, फ्लाई व्हील से कैसे जुड़ा हुआ है और क्यों घिसता है, कैसे घिसता है, घिसा हुआ कैसा है, नया कैसा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।
अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।